कई दिन से चाय छानने की छन्नी की बहुत दिक्कत हो रही थी, थी नहीं बिल्कुल भी घर में, और चाय छानने में बड़ी दिक्कत हो रही। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी छन्नी, ऐसे कभी खुदती तो नहीं पे होगी, पर तो और तो रही नहीं। पर्दा ऊपर से और नहीं होता इसे थोड़ा सा पलट कर। वो चादर में सलवट आ रही बेटे, सलवट वहाँ सलवट से कर ऐसा। इधर को कर, इधर को देखो नहीं। हटो हटी, देख खींच के देखे। अभी मैंने बेडशीट जो है वो डाल दी, उसके बाद मैंने रूम धो रही थी। वैसे तो मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, पर मैंने सोचा कि आज जन्माष्टमी है तो कमरे को धो देते हैं। गोबरी तो मैंने 2-3 दिन पहले दीदी से फिरवा ली थी, क्योंकि भाई मुझसे इतना सारा काम नहीं होने का। मैंने सोचा कि रूम भी साफ़ करना है भाई, और अपना जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी है, तो ये मैं दीदी से करवा देती हूँ ये काम। और अभी मैं बाल्टी में पानी भर के ले आई थी, बाल्टी में पानी भर के तब मैं कमरा धो रही थी। बस ज़्यादा 2-3 बाल्टी पानी लगेगा, सख्त है। बस 2-3 बाल्टी पानी में अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि रोज़ पोछा लगता है तो ऐसी मट्टी उट्टी तो थी नहीं, पर फिर भी धुल दिया। और बाद में एक बार लगा दूंगा मैं इसमें पोछा, क्योंकि जगह जगह पानी के चप्पे रह जाते हैं और वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। शाम मैंने चूल्हे पर मावा निकाला था, तो ये चूल्हे की जो है ना राख उठा रही हूँ मैं, और फ़ोन सुन रही थी, फ़ोन आ रहा था, तो साथ के साथ दोनों काम कर रही थी। कभी कभी हो जाता है कि आदमी काम भी करता रहता है फ़ोन भी सुनता है, तो वही चीज़ आज मेरे साथ हो रही थी, फ़ोन भी सुन रही थी और चूल्हे की राख भी निकाल रही थी। क्योंकि मम्मी को शायद कुछ बनाना है मीठा, तो मैं इसको साफ़ करके छोड़ दूंगी अभी। और अभी हम ला रहे हैं गोपाल जी को, मैं नहा ली। मैं ये वाला सूट नहीं पहनूंगी, ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं दूसरे वाला सूट डालूंगी या फिर साड़ी डालूंगी। तो अभी मैं गोपाल जी को नुहाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बनाया है पंचमृत, तो पहले इन्हें नुहाऊंगी पंचमृत में, फिर उसके बाद सादे पानी में नुहाऊंगी। बस पंचमृत में नुहलाने के बाद सादे पानी में नुहा देंगे। और उपासना भी आ चुकी है, सभी लोग बैठे हुए हैं और मैं कर रही हूँ अपने गोपाल जी को तैयार। तो ये उपासना ने जो है, इसका नाम लड़की का उपासना है, मेरी फ्रेंड है, इसने भी गोपाल जी ला रखे हैं। तो देखो इनके गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, तैयार करके लेके आई थी। और मैं भी बस गोपाल जी को तैयार करने लग रही थी। मैंने ये वाली ड्रेस बनाई है अभी जो है, बस थोड़ा सा ही मेकअप मैंने किया है, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा देती हूँ। अभी से इतना सुंदर लग रहा था मेरा कान्हा, मैं कह रही कि आज तो मेरे कान्हा को नज़र लग जाएगी काला देखो भाई मेरे कान्हा कैसे लग रहे तगड़ी भी पैर रखी आज तो मेरे कान्हा ने, छोनी छोनी छबल्लू सा लग रहा कते। इसमें और तड़का डलेगा। अभी फिर मैं लगा रही हूँ चौकी। जी हाँ, कान्हा जी के लिए मैं जो है ना चौकी तैयार कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपने कान्हा को बैठाऊँगी। तो मैं कल फ्लावर लाई थी, वे मैंने आप लोगों के साथ में आज वीडियो में शेयर भी किए थे। तो थोड़े से तोड़ के हम ऐसे जो है मेज पे बखेर देंगे, मतलब डाल देंगे, अपना जो है इनका जो आसन तैयार करें जहाँ ये बैठेंगे। तो लाल कपड़ा नीचे मैंने बिछा लिया है, और फिर इसके बाद इस पे सिंहासन वगैरह रख देंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो है, यहाँ पे आसन जो है लग चुका है, फूल तैयार हो चुके हैं, मतलब पूरे तरीके से मेज हमने सजा ली है। और अब इसकी बाकी की डेकोरेशन भी करेंगे, तो ज़्यादा नहीं जितना कुछ मुझ पे होगा मैं अब की बार करूँगी, और भगवान करे कि अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ करूँ। तो गोपाल जी को मैंने बैठा दिया है, और जो उपासना के हैं उनको भी यहीं बैठा लेंगे। तो सबसे पहले मैं चारों साइड इनके फ्लावर्स है ना, गेंदे के फूलों से चारों साइड गोपाल जी को सजा रही थी। इनका जो है मतलब ये उस पर बैठे हुए ना सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो चफेरे से मैं चारों साइड फूल लगा रही थी। और इतना सुंदर लग रहा था मेरा कान्हा, आज मेरी ही नज़र मेरे कान्हा को लग जाएगी। सच में इतने सुंदर लग रहे थे बहुत, इतने तो कभी भी नहीं लगे। और ये ड्रेस भी इतनी ज़्यादा खिल रही थी, तो जो उपासना के हैं उनको भी बैठा लिया, उनके भी चारों साइड हम इस तरह से फूल लगा देंगे, तो बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और डेकोरेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करी जाएगी, ऐसी बात नहीं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब। तो आज मैं भी आ चुकी हूँ, तो ये देखिए दीदी ने कितना अच्छा डेकोरेशन कर दिया यहाँ पे। देखो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों गोपाल जी, आप बताओ कमेंट में कैसे लग रहे हैं। हेलो, राम राम जी, कैसे हो, सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। और मतलब मैं नहा ली थी, नहा के मैंने अपना कोई मेकअप वगैरह ना करा, ये वाला सूट पहन के, मतलब ये नहीं पहनूंगी मैं अभी, आप लोग सोचो कि आज ब्लैक पहन रखा तो ये तो नहीं पहनूंगी फिलहाल पहन के मैं इसको, मतलब मैंने गोपाल जी को तैयार करना जरूरी समझा क्योंकि फिर है ना लेट हो जाएंगे। तो मैं आज दीदी का मेकओवर करूंगी, तो आप बताना कैसा लगेगा। देख लो उपासना मेरी तैयारी कर रही है, पर यहाँ लाइट ही नहीं है, मैं कह रही थोड़ी सी देर लाइट आ जाए यार, लाइट बिना परेशान हो जाएंगे। और हमारे गोपाल जी आप मिल लिए, पूजा की थाली तैयार है, दीपक जला देते हैं, फिर इनको भी कुछ खुआ देते हैं। तो वैसे आज गोपाल जी का भी फास्ट है ना। हाँ दे दिया अपनी भाई का गुब्बारा काट के बैठ के नीचे था, संदूक के नीचे था, उसका चोट लगी सुन ले। तो गोपाल जी को भी अब कुछ खुलाया पिलाया जाएगा, हाँ बेचारे फास्ट रख रखा गोपाल जी ने भी हमारे साथ साथ। दीपक जला लें फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी उनकी तरफ को भी कर दो, हमारे घर एक नहीं दो दो काना है और हमारी डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी थी। तो अभी जो है ना दोनों काना जी को हम लगा रहे हैं भोग। जी हाँ, दूध का भोग लगा रही हूँ मैं, दूध में चीनी डाल रखी है मैंने, मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया अभी। तो अभी दोनों को मैंने भोग लगा दिया, अलग अलग दूध में दोनों गोपाल जी के लिए लेके आई थी, और दो चार गुब्बारे फुला के हमने यहीं पे इनके पास में रख दिए थे। गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ, अब रेडी है दीदी भी जल्दी हो जाएगी, बस आपको 5 मिनट बाद देखने का मिलेगा। ओके बताओ, उपासना लगा रही है मेरे को नेल पेंट, अब मेरी तैयारी शुरू हो गई है, अब मैं तैयार होंगी, मैंने अपना काना तैयार कर लिया। आ जाओ गाइस, अभी आ जाओ, मेरे से नेल पेंट लगवा लो। है उपासना ने मैंने गोपाल जी कर लिए तैयार, बच्चों ने मिल के पास वालों ने, अब नहीं अब जो है मैं तैयार हो जाती हूँ। चलो ये भी अच्छी बात है, भगवान ने बिजली दे दी, नहीं तो मैं साड़ी पूरी ना बन दूँ। तो गाइस देखिए दीदी तैयार हो गई है, कैसी लग रही है बताओ। चलो भाई फटाफट कमेंट करके बताना कैसे लग रही है मेरी ड्रेस। यही मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा ही मेकअप करा, और ये वाला देखो ना गले में पहनेगा, मुझे बहुत प्यारा लगा ब्लैक कलर का, स्वीट लग रहा। राधा खाना तैयार हो रहे हैं, उनको थोड़ी देर में दिखाएंगे। बिंदी करते, बिंदी तो लगा नहीं दिख रही नहीं, पर बिंदी कहीं था, देख छोटी है दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी फेस पर, कि मैंने बिंदी लगाई। अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो राधा और कान्हा जो है ना तैयार हो चुके हैं, आप लोगों के साथ में राधा और कान्हा को भी आप लोगों से मिलाया जाएगा, दिखाया जाएगा। कायरव जो है खेल रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसको मैंने नए कपड़े नहीं पहनाए, ऐसे ही खेल रहा था बस। बार बार बच्चा है ना परेशान है बहुत, तो कभी बांसुरी ले ले कभी कुछ ले ले, हमने ही यहाँ पे गाना बजा रखा था, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ये आ गया मेरा काना, तो यहाँ पे है ना बहुत मन लग रहा था, तो हम लोग बैठे हुए थे शूट कर रहे थे। यहाँ पे अभी हमारे काना जी हमसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों काला हूँ राधा क्यों गोरी है। तो मैं कह रही थी कि काली अंधियारी आई काली रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा, ये सुमती मैया बन रही थी आज मैं कान्हा जी की, और ये राधा जी हैं। तो कान्हा जी पूछ रहे थे मैं काला क्यों,
मैंने कहा इसी वजह से कल आया कि कल अंधी आ रही आई थी उस दिन जिस दिन आप हुए थे। फिर राधा और कान्हा ने डांस किया तो यहाँ पे म्यूजिक लगाने की जगह वॉइस ओवर कर दिया या फिर गाने की आवाज़ नहीं छोड़ सकते ना, तो इस वजह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे राधा और कान्हा। आप लोग भी कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत प्यारी लगी इन दोनों की जोड़ी, आपने पूरा मन लगा रखा था। राधा को एक मिनट भी अपने से दूर नहीं होने दे रही थी कि भाई राधा रानी को पास पास रखो मेरे, और मेरा कान्हा कितना सोना लग रहा है, मेरा कान्हा भी सोना लग रहा है। जितनी सोनी राधा लग रही है उतना ही सुंदर कान्हा लग रहा है। तो राधा नाच रही थी और कान्हा खड़ा था, दोनों की मतलब दोनों की एज भी सेम है और बहुत पक्की फ्रेंड है, साथ साथ ज़्यादा रहती हैं और साथ साथ ही आज यहाँ वीडियो शूट हुई दोनों की। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बस बाल वगैरह हम लोगों ने नहीं लगाए, हमें मिली नहीं बिग, हमने यहाँ पे कस्बे में पूछी कि बिग नहीं है कि। तो चलिए फिर मिलते हैं। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझसे इतने टाइप गर्मी में कपड़े नहीं पहने जाऊँ तो निकाल दिए। आज मैंने अपने कानों में भी ये डाल दिए क्योंकि मेरे कान नंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और वैसे भी जन्माष्टमी है। मैं एक चीज़ को लेकर परेशान हूँ, देखो कायरव की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सब बहुत तेज फीवर हो रहा है और मुझे इस बात की बहुत टेंशन हो रही। मैंने डॉक्टर से अभी कॉल करी है तो डॉक्टर ने बोला है कि 2 से 3 दिन तक फीवर जो है उतरेगा और चढ़ेगा, उतरने में टाइम ले लेगा, आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। थोड़ी सी टेंशन हो जाती है माँ को कि भाई इतना तेज़ बुखार है, और मैं कान्हा से दुआ करूँगी कि आज मेरे कान्हा का भी बुखार उतार दे। मेरा कान्हा परेशान है, मेरा कान्हा भी परेशान है छोटा सा, इसको लेके मैं बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी मेरे को टेंशन आएगी। अब तक तो मैं अपने बुखार से परेशान थी, अब बच्चे को बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा, इनको लेके मुझे दोनों को बहुत टेंशन हो जाती है। बस अवनी को थोड़ा सा दूर ही रखूँगी, फीवर वायरल बुखार लग रहे हैं। तो जन्माष्टमी का काम धाम कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो सब भाई? आज तो सब भूखे प्यासे होंगे, किसी ने कुछ खाया भी नहीं या मेरी तरह भूखे प्यासे हो? मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने बस चाय पी थी सुबह 1 बजे और अभी जो है 5 बजने वाले, अभी तक मैंने को दोबारा चाय भी नहीं पी, एप्पल खा रही थी बल्कि मैं। और अभी फ़िलहाल थोड़ी सी झाड़ू लगानी है और मुझे है ना तिलों के जो है लड्डू बनाने और पेड़े बनाने हैं, तो वो मैं सोचूँगी लाइट आएगी तब बनाऊँगी, अभी फ़िलहाल नहीं बनाते। मेरा बेटा सो गया, बुखार ढिल्ला इसका, मैंने इसके सर पे पानी की पट्टी रख दी तो इसका बुखार उतर रहा है। बाहर की शुद्ध हवा में कहा डॉक्टर ने कि बाहर की शुद्ध हवा में लुटाओ, मैं कुछ बिछाने भी नहीं पाई क्योंकि उल्टे पलटे ले रहा है, ऐसे ही लुटाना पड़ा। जितने सोएगा इतना ही ठीक। कान्हा जी तैयार, ये देखो कान्हा जी तैयार हो रहे इधर, ये पार्लर वाले आ रहे हमारे घर। ये हो रही है राधा जी तैयार, ये राधा की बहन ने मुँह लखो लिया, दिखा देखो तैयार होने लग रहे हैं। कान्हा जी बोलो बोलो कान्हा बड़ा शरारती नु घरा बोलो, मागो नु घरा बोलो, मैं पूरा इतरा है कान्हा। तो राधा रानी क्या कर रही है, हाय हमारी राधा देख कितनी सोनी लग रही है। नहीं रुक जा, पर खड़ा हो ये स्टूल पर, तू तेरा ही हाथ चला जाएगा। हाँ भाई अब जा, कान्हा मटकी फोड़ेगा भाई, तैयारी चल रही है भाई, क्या लगवा मैं इससे? ये तो मैंने के दिया चल चलो भाई खुशी चलो, कान्हा के ऊपर फूल भी कर रहे हैं, राधा भी बखेर रही, राधा रानी बजा मतलब मुझे फोन करना पड़ेगा। मार काना मोहल्ले वालों के गोविंदा, और रुक जा गोविंदा, राधा इनके मुँह कर इतने जोर से ना लगने का, राधा डर रही। फिलहाल मैं ना आलू रख लेती हूँ बनने के लिए, आज तो वैसे हवा बहुत अच्छी चल रही है और लाइट भी परेशान कर रही है, बार बार आ रही है बार बार जा रही है। आप मेरी यहाँ से काली हो रही है। फिलहाल मैं अपने लिए मैं सोची हूँ कि मैं वैसा कुछ नहीं खा सकती है, तो पिट्ठी बनाऊँगी या फिर आलू के पकौड़े,
तल के रख लूँगी मैं अपने लिए, क्योंकि वैसे तो वे भी मुझे नुकसान नहीं देंगे, पर फास्ट खोल लूँगी। बस क्या करूँ यार, रोटी नहीं खा सकती, कुछ नहीं, एक दो खा लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस दो चार ही बना लूँगी, क्योंकि तो बच्चों का क्या है, बच्चे तो बस ऐसे ही खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं खाया, पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे, क्योंकि अवनी का फास्ट तो है नहीं, और कायरों को बुखार है तो ऐसे भी छोटा होगा, उसको तो क्या फास्ट होगा। तो फिलहाल आलू रखते हैं। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए आई थी मेरी पास वाली दीदी, तो रसगुल्लों का तो नहीं लगाया क्योंकि कान्हा जी का फास्ट है, तो इस वजह से उन्होंने ना इस मिठाई का जो है भोग लगा दिया, पेड़े कलाकंद वगैरह का रसगुल्ले रखे हैं यहीं कान्हा जी के पास में। और ये मैं तिल मिश्री बादाम और जो मुनक्खा किशमिश ये लेके आई हूँ कान्हा को भोग लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखाई। मिश्री खाएगा, मिश्री खाएगा मेरा कान्हा, है ना। अब शाम की जोत का समय हो गया, शाम की जोत लगानी है मुझे अभी। घी नहीं है मेरे पास, घी में भून लो ना बहुत अच्छे लगे, पर घी नहीं है, रोटी रगड़ने का ही काम हो जाए यही बहुत है। तो भाई मैं सूखे तिल डाल रही हूँ, भाई जो चीज़ हमारे पास नहीं हो उसे मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से बनाऊँ। भाई मैंने ऐसे नहीं बनाए, इनमें बुरा डलेगा भी, फिर फिलहाल बुरा नहीं था, फिर और सही से बन जाए। अभी यहाँ मैं कर रही हूँ पेटी तैयार, इसमें धनिया डाल लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लूँगी, नमक डालूँगी, मिर्च नहीं डालूँगी, और बेसन बिल्कुल जो है खालिस मैं बना के तैयार करूँगी, इसमें कोई हल्दी नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, बहुत कम, मतलब बस मुझे बनाने पड़ रहे हैं ब्रेड वो सॉरी पकौड़े फास्ट खोलने के लिए, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, मूँग की दाल की खिचड़ी खाती हूँ। आज दाल भी ख़त्म हो रही थी, चलो आके देखते हैं, चलो अच्छी लगेगी, ऐसी बात नहीं, इतनी उससे बना रहे हैं, और भगवान ने चाहे तो शायद हजम भी हो जाएंगे। तो अभी मैं एक एक करके पकौड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ, मोटे मोटे से बना रही थी, चार पांच बनाऊंगी बस, को इसमें ही हम लोगों का पेट भर जाएगा। तो चलिए आप सब भी अपनी तैयारी कर लीजिए, मैं भी कर रही हूँ, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो तेल जो है ख़त्म हो गया था, बहुत कम था, इसी में उतार लूँगी मैं। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी जन्माष्टमी।